सावधान स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण काम जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान काम कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। अरहंतवासियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामी भक्ति जुतो सुदनान महो वही सिरसां पयाणी सुबार कोड़ी सैन सुलक तिरासी अजुति भरेण सहस अठावन पंचवियाणी सया प्रणमामी जिणिंदवाणी जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ से लो बुद्धि सिरेणु धरियो षटखंडागम के चौथे खंड का नाम है वेदना खंड। इसकी आचार्य वीरसेन द्वारा लिखी टीका धवला पुस्तक 9, 10, 11 और 12 उनमें से हमारा यहाँ पर धवला पुस्तक 9 जिसमें कृतीय नियोग द्वार का वर्णन है उसका स्वाध्याय चल रहा है। हमारी वर्तमान में जो 7 प्रकार की कृति बताई थी उसमें से करण कृति का वर्णन चल रहा है। आचार्य ने करण कृति का वर्णन 8 अनियोग द्वार से किया गया। करण कृति का वर्णन 8 अनियोग द्वार से, उसमें से हमने पहले सत्प्रणा फिर संख्या क्षेत्र काल अभी अपना वर्तमान में आश्रय शुरू करना है वो स्पर्श प्रणा को शुरू करना है। पेज नंबर है 2300 एंड कहां पर है हम लोग 372 पेज पर हैं। निकाल लीजिए पेज, हाँ पेज है 370 पेज है मूल पुस्तक पर, वहां से हमको विषय को प्रारंभ करना है। पीडीएफ में पेज है 380। स्पर्शानुगम का अर्थ क्या है अशोका जी? स्पर्शानुगम का क्षेत्र में तो केवल वर्तमान लेते हैं, इसमें वर्तमान भी और भूत भविष्य तीनों, हाँ तीनों काल को लेके काल अतीत काल को भी लेकर वर्णन करेंगे। और ये निर्देश कितने दिन करेंगे? 2 प्रकार से, ओग और आदेश। ओग का मतलब सामान्य और आदेश का मतलब यहाँ पर मार्गणाओं से लेना है कि मार्गणा और मार्गणाओं के प्रभेदों में हमें स्पर्शानुगम बताएंगे। लेकिन चूंकि तीनों काल की बात है तो आचार्य पहला बोल जो बताएंगे वो किसका बताएंगे? वर्तमान काल की अपेक्षा से। उसके बाद में जो जितने भी बोल आएंगे वे बोल होंगे स्पर्श की अपेक्षा से, मतलब पहले क्षेत्र को बताएंगे और फिर स्पर्श को बताएंगे। क्षेत्र का बोल वर्तमान काल की अपेक्षा से होगा और आगे के बोल जो स्पर्श के बोल होंगे उसमें अतीत काल लगेगा। मुग्धा जी क्या अंतर पड़ जाएगा? अंतर क्या पड़ेगा कि अतीत काल की जब बात करेंगे तो उसमें 2 विवक्षा लेंगे, एक लेंगे विहार की और दूसरी लेंगे मरणांतिक की। अब हमारे पास में कुल कितनी विवक्षा हो जाएगी स्पर्शानुगम में? 3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एक तो क्षेत्र प्रणा में हम विक्रिया को लेकर बात कर देते, क्योंकि विक्रिया करता है या नहीं करता है, पर्याप्त है या नहीं पर्याप्त है, एकेंद्रीय है सूक्ष्म है, मतलब हम विक्रिया को लेकर बात कर देते और वर्तमान काल के क्षेत्र की बात करते थे। अब यहां पर क्या हो जाएगा? स्पर्श में विहार को भी लेना है, मारणांतिक समुद्घात को भी लेना है और केवली पद को भी लेना है। केवली पद अपन क्षेत्र में भी ले रहे थे तो हमारे पास में जब स्पर्श की बात करेंगे तो कई मार्गणों में मंजुला जी अंतर आएगा संघातन में। कई मार्गणों में क्या अंतर आएगा? संघातन में अंतर आ जाएगा कि संघातन का क्षेत्र वैसे हमेशा तो कहते मतलब संघातन का क्षेत्र मतलब कि जन्म लेने के पहले समय में हम जब क्षेत्र की प्रवृत्ति देख रहे थे
तो संघातन और संघातन परिशातन में कई जगह पर लोक का असंख्यात भाग आ रहा था वर्तमान काल का रहने के दल। लेकिन अब क्या होगा कि जन्म लेने के समय में जब संघातन होता ना वह तो लोक का असंख्यात भाग रहेगा, लेकिन संघातन परिशातन की गति है, चाहे वो नारकी हो चाहे मनुष्य देव हो, उनके विहार की अपेक्षा उसके क्षेत्र में बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जीवन भर चलता संघातन परिशातन, तो जन्म लेने के दूसरे समय से संघातन परिशातन हो जाती है। तो आत्मन विहार भी करेंगे, मरणांतिक समुद्घात भी करेंगे, तो दो दो अपेक्षा लग जाएगी और विक्रिया भी करेंगे। मतलब अब क्या अपेक्षा लग जाएगी कि संघातन में कुछ नहीं होगा, तो संघातन के समय में ना विक्रिया करेंगे ना मरणांतिक समुद्घात होगा, नहीं तो वो पद नहीं लगेंगे। तो संघातन का क्षेत्र जो है कई मार्गणों में लोक का संख्या तो भाग रहेगा, लेकिन बाकी मार्गणों में संघातन परिषादन आदि कृतियों का क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि हम स्पर्श की बात कर रहे हैं। हम पढ़ने से पहले ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्षेत्र से स्पर्श नाम को पढ़ने जा रहे हैं तो कहां पर अंतर आएगा। जैसा हमने कहा था कि हमें इस स्पर्श अनुगम के बात को अगर देखना है तो कल मतलब क्या तरीका है, सबसे पहले देखना कि हमारी कौन सी मार्गणा चल रही है। पहले क्या बात करेंगे, स्टेप नंबर क्या देखेंगे, कौन सी मार्गणा चल रही है, फिर हम क्या देखेंगे उसके अंदर तो मार्गणा के भेद और प्रभेद और गुणस्थान जो हमें सत्रोपण में बताए थे उसको हम स्मरण में लेंगे। मतलब कोई भी मार्गणा, तीर्थ गति की बात करें, देव गति की मार्गणा, मनुष्य गति, गति मार्गणा की बात करें, तो हम सत्रोपण में जाएंगे कि गति मार्गणा की अपेक्षा से कितने भेद है, उनके कोई प्रभेद होते हैं। हाँ, नरक में बात करते हैं तो पहली पृथ्वी का नारकी, दूसरी पृथ्वी का नारकी, तीसरी का। देवगति में बात करते हैं तो भवनत्री का एक रूप बनाते हैं, सोदर मशान का बनाते हैं, लेशा का अनुसार बदल जाता है, जब पद्म लेशा होती है या शुक्ल लेशा होती है, अलग अलग ढंग से उन्हीं मार्गणाओं में गुणस्थान का आधार बनाकर भी भेद प्रभेद की हम, जो कि हमने सत्रुपना की पुस्तक एक और देव दो के अंदर जो विषय है उसके आधार पर चिंतन करेंगे। इसके बाद में तीसरे स्टेप पर क्या करेंगे कि इनका स्वामी कौन है, मतलब जिस मार्गणा की हम बात कर रहे हैं उसमें स्वामी कौन है। तीसरे स्टेप पर हम क्या लेंगे कि ये जो स्वामी के बाद में इसमें कितने पद लगेंगे, क्योंकि 13 पद है ना, तो अब हमें पता लग गया कि स्वामी आ गया तो उसके कितने पद लगेंगे, और पद लगने के बाद में हम देखेंगे इसमें पर्याप्त अवस्था घटती है या नहीं घटती है। इस प्रकार से फिर उसके स्पर्शन क्षेत्र का हम वर्णन, हम मतलब पढ़ने से पहले हम विचार करेंगे कि स्पर्श अनुगम में कैसे जो है, आचार्य ने यहाँ पर सीधा उत्तर दिया हुआ, क्या दिया हुआ उत्तर, जैसे आपने बचपन में क्लास पढ़ी होगी ना, तो एक आती थी कुंजी और एक होता उत्तर आता था, तो आपको सिर्फ उत्तर मिल रहा है यहाँ पर, तो लेकिन आपको पूरा जो है वो प्रश्न अपने मन से डेवलप करना है। विभा जी बताएंगे क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम देखेंगे कि कौन सी मार्गणा की बात कर रहे हैं, उस मार्गणा में क्या करना है हमको, गति अनुयोग द्वार में करण कृति का स्पर्शानुगम लगाना, ये तुम्हारी पहले बात हो गई। जैसे अब उसके अंदर मार्गणा आ गई ना, तो उस मार्गणा के भेद के बारे में फिर स्वामित्व के बारे में विचार करेंगे, फिर करेंगे इनमें 13 पद में से कौन से पद नहीं लगेंगे, इसके बाद में दिखेंगे क्या ये विक्रिया कर सकता है नहीं कर सकता, फिर वो लगेंगे क्या क्या इस मार्गणाओं में 14 गुणस्थान आ रहा है या आरक्षण वाला गुणस्थान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर जब वो, तो हमने जब पद निश्चित किए तभी निर्धारित हो जाएगा 14 गुणस्थान है या आरक्षण है या नहीं है, तो उसके हिसाब से पद का निर्धारण हो जाएगा। फिर जब क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र के कौन कौन से बोल बनेंगे, लोक का असंख्यात भाग है, असंख्यात भाग है या लोक का संख्यात भाग है, वायु वायु जीव आएगी तो क्या है लोक का संख्यात भाग भी अपन कौन कौन लगाएंगे। मैं और भी बताना चाहता हूं क्योंकि अपन स्पर्श अनुगम में देख रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं विभाजन बोलते बताइए ना, हम तो आए स्वाध्याय करने के लिए आए, बताइए ना तुम। स्पर्शानुगम में जब स्पर्श के क्षेत्र की बात आएगी ना, बोल आएंगे, तो उसमें क्या क्या बात आएगी, एक अपेक्षा होगी स्वस्थान की,
इसके हो गए स्वस्थान की, अब नोट में करते हैं स्वस्थान की, उससे क्या निकलेगा क्षेत्र निकल जाएगा, दूसरी अपेक्षा निकलेगी बिहार वदिस्तान की, घूमने फिरने कहां कहां जा सकता है, तीसरी अपेक्षा निकलेगी मरणांतिक समुद्घात की, तीसरी अपेक्षा निकलेगी विक्रिया करना और विक्रिया करते समय मरणांतिक समुद्घात, या तीसरा का जरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा मुग्धा जी, विक्रिया कर रहा और विक्रिया के काल में अगर मरणांतिक करता है ना तो ऐसे हर एक जीव करेंगे तो उसका सर्वलोक बन जाएगा, इसे कोई भी जीव विक्रिया कर रहा है और उसमें मरणांतिक करे तो मरणांतिक में क्या होगा कि उसे जहां उत्पन्न होना जाएगा, तो वो कोई मनुष्य त्रिदेश है, अगर उसने विक्रिया की उसमें मरणांतिक हुआ तो क्या होगा उसका क्षेत्र पूरा लोक घटित हो जाएगा कि कोई ना कोई कहीं एक केंद्र जाएगा नीचे जाएगा, वो मनुष्य त्रिदेश है तो मरणांतिक कर्म में सर्वलोक हो जाएगा, और अंतिम में अगर केवली पद घटता है तब भी सर्वलोक घट जाएगा। तो प्रवीणा जी यहाँ पर सर्वलोक दो प्रकार से घटेंगे, कौन से घटेंगे, केवली पद में सर्वलोक घटेगा और एक का काल तो सर्वलोक होता ही है, वो तो स्वस्थान क्षेत्र ही जो है एकेंद्रीय सूक्ष्म का तो सर्वलोक होता ही है, एकेंद्रीय का सर्वलोक क्षेत्र ही होता है, वो तो वर्तमान काल में उनका क्षेत्र तो उसकी तो अपन जानते ही है, केवली भगवान के समुद्घात का भी वर्तमान काल में हमने देखा है। यहाँ पर अंतर कहां पर आएगा कि जब वो विक्रिया करेगा और उस समय मरणांतिक समुद्घात और वो चाहे पंचेंद्र मनुष्य तिरंज है तो मनुष्य और तिरंज मरकर तो कहीं भी जन्म ले सकता है, सूक्ष्म हो सकता है एकेंद्र हो सकता है बादल हो सकता है, मनुष्य तिरंज तो जाने की कोई लिमिट नहीं है, उसने विक्रिया की और उसने मरणांतिक समुद्घात किया तो उसका क्षेत्र वहां पर सर्वलोक हो जाएगा। मैंने कुछ बातें आपको बताई है और भी मैं बीच में बताऊंगा, लेकिन अपन धीरे धीरे सोचेंगे तो स्पर्श अनुगम का विषय और अपने को स्पष्ट हो जाएगा। बड़े मधु जी आगे, मधु जी बड़े क्या पढ़ना आसान लग रहा था पढ़ने में, स्पर्श अनुगम आप इसे पॉइंट्स बता दिए उसमें कठिन लगेगा घटाना, आप पढ़िए चलिए पढ़िए आप पढ़िए, कौन पढ़ेगा, मंजुला जी को पढ़ना है, मधु जी को पढ़ना है, माँ पर जिसका नाम है पढ़ सकता है, मुग्धा जी मंजुला जी माँ पर जिसका नाम है वो नहीं पढ़ सकते, पढ़िए स्पर्श अनुगम से ओघ और आदेश की अपेक्षा दो प्रकार निर्देश है, उनमें ओघ से औदारिक शरीर की संघातन कृति व संघातन परिशातन कृति तथा तेजस व कारमान शरीर की संघातन परिशातन कृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है, उक्त जीवों द्वारा सर्वलोक स्पर्श किया गया है। रुकेंगे चार, अभी ओघ की बात चल रही है, मतलब अभी हम ये नहीं देख रहे कि देव है कि नारकी है कि तिरंज है, लेकिन हम जानते हैं औदारिक शरीर की बात हो रही है तो निश्चित से बात हो गई कि इसमें तिरंज और मनुष्य की मुख्यता है, क्योंकि देव और नारकियों के किसकी है वैकल्पिक शरीर होता तो उसकी बात नहीं है, लेकिन अभी ओग की बात कर रहे हैं, ओग में हम भेद नहीं करते, गतिमारण भेद नहीं करते, लेकिन हम समझ गए आचार्य ने यहाँ पर चार पद लिए, वो पहले क्या लिखा औदारिक शरीर, मतलब हम जानते हैं औदारिक शरीर मनुष्य और तिरंज के होता है, पर आचार्य उसकी क्या लेते हैं औदारिक शरीर की कौन सी ले, संघातन संघातन परिशातन, तेजस शरीर की संघातन और परिशातन, कार्मण शरीर की संघातन और परिशातन, चार पद ले रहे हैं, तो ले रहे कि कोई भी मनुष्य और तिरंज है उनके औदारिक शरीर होता है तो जन्म लेंगे तो समय उनके संघातन हुई और पूरे जन्म काल तक संघातन परिशातन होती रहेगी, अब यहाँ पर चाहे वो पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, विक्रिया करे या नहीं करे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है, मरण इसमें ये चार के अंदर तो हमेशा होगी ही होगी। अब इसका क्षेत्र निकालना है, तो ये मनुष्य और तिरंज की बात हुई है तो वर्तमान काल में इतना क्योंकि इसमें आगे थे केंद्रीय सूक्ष्म आ गए, इसमें जो औदारिक शरीर उनके भी होता है और वो तो सर्वलोक में भरे पड़े हैं तो उनका सर्वलोक क्षेत्र स्पर्श किया है। अब मेरा प्रश्न ये कि उनका क्षेत्र कितना होगा औषधोषी, हम अभी बात किसकी कर रहे हैं एक केंद्रियों की भी आगे है इसमें, तो वर्तमान काल में भी एक केंद्रीय सर्वलोक में अतीत काल कहो या एक केंद्रीय है तो वर्तमान में जिसका सर्वलोक है तो स्पर्श होगा ही होगा, नहीं स्पर्श हमेशा बढ़ेगा कम नहीं होगा, क्षेत्र से स्पर्शन बढ़ेगा या तो उतना उतना रहेगा या बढ़ेगा, मतलब क्योंकि अतीत काल का भी ले रहे हैं तो आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो सबसे पहला पद ओ की परंपरा, ओ क्यों कहा उषा दोषी, क्योंकि यहाँ पर भेद नहीं करें कि नरक गति के जीव है मनुष्य गति के जीव है स्त्री भेदी है क्रोध कषाई है, मतलब ने 14 मार्गणा उसमें भेद नहीं किया, ये नहीं करेंगे कि एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय को, तो इंद्रिय मार्गणा का भेद है
अवगत वेदी वो तो वेद मार्गण का वेद नहीं, कोई भेद किए बिना सामान्य से तो कितने पद की बात करेंगे उषा दोषी, 13 पद की बात करेंगे। ऊग में किस ऊग का मतलब क्या हुआ प्रवीणा जी? 13 पद। प्रवीणा जी आपको बोलना है थोड़ा सा, मतलब आपकी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो आप बताइए 13 पद कौन कौन से होंगे? ओदार के कितने होंगे? 4 4 तीन होंगे। अच्छा नाम बताइए, उनके नाम बताइए। ओदारिक के 3, वेक्रियक के 3, आहारक के 3, तेजस के 2 और कार्मंड के 2, ऐसे 13 पद। कार्मंड अब अपन इतना सब पढ़ते हैं ना, इन जो आगे भी पढ़ेंगे, काल भी पढ़ेंगे, अंदर बार बार पद आते हैं और हमको सोचने में थोड़ा सा कष्ट भी होता है, तो मैं एक प्रयोग कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको बोलने में अच्छा लगे, दो तरीके मैंने सोचे। एक तो ये कहा कि हम औदारिक शरीर को केवल औदारिक सुनो, औदारिक शरीर को केवल ओ बोले, हम नाम दे दें, शॉर्ट नाम दे दें। जैसे घर में किसी को बुलाना हो तो अपन बुलाते ना, जैसे सुदर्शन मेरू को अपन क्या बोलते हैं? सुमेरु बोलते हैं, शॉर्ट नाम बोल दिया। अब औदारिक शरीर को अपन ओ बोल दे, विक्रिक शरीर को वी बोल दे, आहारक शरीर को ए बोल दे, तेजस शरीर को टी बोल दे और कार्बन शरीर को के बोल दे, तो मेरे को लगता है आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पढ़ने में मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों को समझना है ना कि कहाँ क्या हो जाता है। औदारिक शरीर को क्या बोलेंगे विभा जी? ओ। वैक्रिक शरीर को क्या बोलेंगे? वी। आरक शरीर को? तेजस शरीर को? टी। और अपन कार्बन शरीर को के। अब संघातन कृति कब होती है? जन्म लेने के पहले समय में, पहले समय में। तो उसको एक नंबर दे देते हैं। हाँ। और उसके बाद में दूसरे समय से क्या होती है, मतलब बाद में संघातन परिषातन, संघातन जन्म को नंबर दे देते हैं और परिषातन को 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब अपन ने जो पढ़ा अशोका जी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इतना और आगे बहुत आने वाला है, इससे नहीं देखेंगे तो कितने वर्ष और हमको स्पष्टीकरण करना है, तो औदारिक शरीर की संघातन कृति क्या नंबर हो जाएगा? 1O। 1O बोल देंगे, 1O मतलब औदारिक शरीर की संघातन कृति, 1V मतलब वैक्रिक शरीर की संघातन कृति, 1A मतलब आहारक शरीर की संघातन कृति। अच्छा अब आपको बताएंगे ये विभा जी, 1T क्या होगा और 1K क्या होगा? तेजस शरीर। 1T क्या होगा पूरा बोलना पड़ेगा, 1T और 1T में संघातन परिषातन होगा? नहीं, हमने तो आपको 1T बोला है और 1K बोला है और 1 होता संघातन शरीर की। हाँ ये होगा ही नहीं। हाँ मतलब 1 होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो क्या होगा? 2T तेजस शरीर की संघातन परिषातन होगी, 2K कार्मण शरीर की संघातन परिषातन होगी, 3K कार्मण शरीर की परिषातन होगी, 3T मतलब जो जिसका नंबर होता है वह अपन उसको बोलेंगे। तो अभी आचार्य ने क्या बोला उन्होंने, औदारिक शरीर की संघातन, औदारिक शरीर की संघातन परिषातन, अपन जो लाइन पढ़ी है तेजस शरीर की और कार्मण शरीर की संघातन और परिषातन, तो 3 की हो गई अपने, मतलब संघातन परिषातन अपना नंबर 2 है, संघातन परिषातन नंबर क्या? 2 है, तो किसका का? औदारिक का, तो 2 ओ बोलो या 2O बोल दीजिए, है ना, और क्या बोलेंगे? O2। हाँ O2, चलो O2, चलो ऐसा करते O2 करते हैं। हाँ O2 बढ़िया, T2 K2। अच्छा ये ज्यादा अच्छा, 2T बराबर, ये अच्छा बोला, अपन निश्चित कर लेते ना, अपना ही तरीका है तो ये अच्छा हो गया, बोलने में इजी पड़ रहा है, इजी पड़ेगा। T2 K2 है ना, ठीक है ना, और O1। इन 4 का आचार्य ने कितना बताया? सर्वलोक क्षेत्र बताया, कितना बताया उन्होंने? सर्वलोक क्षेत्र बनाया, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा ट्राई किया है, अगर ये कोई प्रयोग होगा तो फिर इसको बताऊंगा इसका क्या फायदा, आगे पता चलेगा, लेकिन अभी अपन ने बता दिया कि औदारिक शरीर की संघातन, औदारिक शरीर की संघातन परिषातन, तेजस शरीर की संघातन परिषातन और कार्मण शरीर की संघातन परिषातन, इन 4 का जो स्पर्शन है वह सर्वलोक है। कितना है वो?
सर्वलोक। अब आपको पता ना इसका क्षेत्र कितना होगा? सर्वलोक होगा, सर्वलोक होगा। इसलिए एक ही बोल बोला हमने, बताया कि स्पर्श में वैसे रूल क्या है कि पहले क्षेत्र बताते हैं फिर स्पर्श बताते हैं। आचार्य ने जो प्रणाली अपनाई, ये मेथड अपनाया है कि जब स्पर्श की बात करते हैं तो पहले बोलते हैं वर्तमान काल का स्पर्श, फिर अतीत काल को लेकर वर्तमान काल का क्षेत्र बोलते हैं, और फिर बोलते हैं अतीत काल का स्पर्श। लेकिन अशोका जी यहाँ एक ही बोला सर्वलोक, क्यों? क्योंकि उनका क्षेत्र भी उतना ही है, क्षेत्र स्पर्श भी उतना ही है, तो उन्होंने बोलते हैं कि सर्वलोक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे मुग्धा जी पढ़िए। औदारिक शरीर की परिचातन कृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है? उक्त जीवों द्वारा लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया है। अब क्या 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 लिया? चलो विभा जी, हाँ जी, अब आपको बताना है औदारिक शरीर की परिचातन कृति क्या हो गया है? O3 युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्शन किया गया? किया गया जी। अब देखो इन्होंने इसके कितने बोल बताए? लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्श किया गया। तो पहला बोल हमेशा किसका होता है? क्षेत्र का होता है। क्षेत्र का कितना हो गया? लोक का असंख्यात भाग, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया? अभी तक तो ऊपर सर्वलोक था, एकदम घटकर ये लोक का संख्यात भाग वर्तमान काल का क्षेत्र है। लोक का संख्यात भाग क्या है? और बाकी के बोलों का सब स्पर्श के होंगे, ये ध्यान रखना, है ना। तो बाकी के बोल, तो इन्होंने पहला बोल लोक का संख्यात भाग बोला, जबकि अभी औदारिक शरीर की बात कर रहे थे तो ऊपर तो बोला था संघातन, जन्म लेने वाले टाइम पर तो बोल रहे थे कि लोक का पूरा भाग है, और जब परिचातन वृद्धि की बात आई तो बोला लोक का असंख्यात भाग ही लिखा पहले, वर्तमान काल का क्षेत्र असंख्यात है। स्पर्श की बात में बात करेंगे, तीनों साथ में कर रहे हैं ना, तो कारण क्या असंख्यात भाग ही क्यों रखा? वो परिशातन कृति के हिसाब से परिशातन। आपको उत्तर देना, उत्तर यह है कि जब हमने अभी ऊपर जो सर्वलोक की बात कर रहे थे ना, पद अलग थे, पद अलग थे, मैं पद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पद को वहां पर क्यों नहीं मिला, उससे अलग क्यों निकाला, ये देखना है। ऊपर पद कौन था? सर्वलोक का पद था, उसमें और इसमें अंतर क्या है? उसमें और इसमें अंतर ये है कि उसमें से एक इंद्रिय के सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों निकल गए, क्योंकि परिशादन कृति कब होगी? जो विक्रिया करेगा, और एक इंद्रिय सूक्ष्म और पर्याप्त या अपर्याप्त विक्रिया नहीं करते तो वो निकल गए। अब बचे बादर, तो बादर में सारे अपर्याप्त निकल गए, और बादरों में अपर्याप्त की संख्या निकल जाती है, तो बहुत संख्या निकल गई, क्या निकल गई? बहुत संख्या निकल गई। तो इसलिए उनका क्षेत्र कितना बचा? लोक का असंख्यात भाग। थोड़ा समझ में आ रहा है? मतलब हमने अलग अलग क्षेत्र की बात कैसे की? पद तो वही तेरा है ना, तो वो शरीर के हिसाब से दिया है, तो वो सब निकाल दिए पहले, सूक्ष्म के पर्याप्त अपर्याप्त सब निकाल दिए। हाँ, तो क्षेत्र कम हो गया, क्योंकि अपने एकेंद्रिय को एक अपना सर्वलोक क्षेत्र का बनता है कि जब अपने सूक्ष्म एकेंद्रिय को ले तो सारा लोक उनसे भरा हुआ है। अब वो तो विक्रिया करते नहीं है, और परिशादन करते कब होती है? कि जब ये विक्रिया करेगा उससे, है ना, परिशादन करते। अपने पता है कि परिशातन कृति और वैक्रिक के तीन पद, चार पद कब बढ़ाएंगे? कि जब मनुष्य तिरेंच विक्रिया करेगा, उत्तर शरीर बनाएगा, तब ये चार पद घटेंगे। ये बात तो समझ आई? ये कठिन तो नहीं पड़ रहा है आप लोगों को? ये तो बहुत नहीं, समझ में आ रहा। अब मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने क्यों लिया, कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि परिशातन कृति को इसलिए अलग किया। अच्छा, आगे का बोल क्या किया? असंख्यात भाग और सर्वलोक को स्पर्श किया, तो इसका कारण क्या हो गया? कि औदारिक शरीर, औदारिक शरीर वाले है, समुद्घात की अपेक्षा से बहुभाग, और जब आते हैं तो समुद्घात की अपेक्षा से लग जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है, आपने बताया, वो तो केवली पद लगता ही लगता है, ठीक है ना। लेकिन वो केवली पद विक्रिया के बिना भी लग जाता, केवली पद में लग जाता है, बराबर ना, केवली पद लग जाता। लेकिन यहाँ पर एक तरह से मैं और सोचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जीव है, अगर विक्रिया करते समय मरणांतिक समुद्घात करें तब भी इनका क्षेत्र जो है घटने वाला, सर्वलोक घटने वाला।
तो सर्वलोक में मारणांतिक समुद्गात भी लेना और केवली समुद्गात भी लेना, लेकिन बहुभाग जो असंख्यात बहुभाग है वो केवल प्रतर की अपेक्षा से लेना। प्रतर समुद्गात में मतलब वाक्पले में नहीं प्रवेश किया गया है तब के लिए लेना है, और सर्वलोक केवली समुद्गात की अपेक्षा तो है ही है, लेकिन अपने को अब एक बात और देखनी है कि वो विक्रिया करे और उस समय मरणांतिक समुद्गात करे तो उदारी शरीर वाले कहीं भी जन्म ले सकते हैं, उस अपेक्षा भी सर्वलोक घटित होता है, ये बात अपने को समझने की है। ठीक है विमला बहन जी, नहीं तो कल बोल रहे थे कि कहीं बताते रहे ना, विमला जी हैं जयपुर से जुड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं। प्रश्न पर पूछा था उन्होंने से। हाँ, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पाते हैं, कोई बात नागपुर वाली नागपुर वाली है डॉक्टर विमला जी। हाँ वो भी है, तो यहाँ पर जो नहीं दोनों है मतलब जयपुर से भी है, ठीक है ना, वो बात है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि इसका तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे इसका जो है अपन को घटित करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने क्षेत्र प्ररूपण में पढ़ा है कि जब स्पर्शन की बात करेंगे तो पहला बोल होगा वर्तमान का, उसके बाद में होंगे अतीत काल के, ठीक है आगे बढ़े। हाँ चलो मुग्धा जी बोलो आगे पढ़ो। वैक्रियक शरीर की संघातन व परिशातन कृति युक्त जीवो द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है? उक्त जीवों द्वारा लोक का असंख्यात भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया गया है। देखो यह तीन बोल नहीं आए, दो ही बोल आए, दो ही आए। देखिए एक तो होती है ये दो बोल क्या है कि अंत में अपने को निकालना है, क्या निकालना है कि अपने को क्षेत्र की स्पर्शन की प्रपणा निकालनी, लेकिन सबसे पहले हमने स्टेप बताई थी आपको, क्या स्टेप बताई थी हमारी, कौन सी मारगणा चल रही है, सबसे पहले देखा मारगणा कौन सी चल रही है, क्या नाम लिया था मारगणा का नाम, वैक्रिक शरीर, कौन सी मारगणा चल रही है, वैक्रिक शरीर। ये वैक्रिक शरीर की मतलब वैक्रिक शरीर कौन बनाता है कि देव और नारकी बनाते हैं एक बात, दूसरा कौन बनाते हैं, मनुष्य और तिरियन जब विक्रिया करते तब भी वैक्रिक शरीर बनाएंगे, ये बात अपनी आ गई यहाँ पर। अब इन्होंने क्या लिया, वैक्रिक शरीर की संघातन व परिशातन युक्त जीवों के द्वारा कितना लिया गया, तो संघातन कब होगा उषा दोषी, जब वो वैक्रिक शरीर के परमाणु को ग्रहण करेगा उसके पहले समय में, अगर वह देव और नारकी है, देव और नारकी भी ले सकते हैं वैक्रिक शरीर के परमाणु ग्रहण कर सकते हैं, कोई बात नहीं हम बिल्कुल करेंगे, तो उनके संघातन गति कब होगी कि अगर ऋजु गति से आया है तो पहले समय में होगी, और उसके जब ऋजु गति से आया तब कौन सा योग होगा, उपपाद योग होगा, कौन सा होगा, उपपाद योग, तो वो जब ऋजु गति से आया है तो उपपाद होगा, तो उसका जगन्य संघातन घटित होगा, ठीक है ना, लेकिन जब वह उत्कृष्ट योग से कहीं से आया है, मानो गुणित कर्मांशिक है जो मैंने पहले पढ़ा था स्वामित्व में, और अगर वो दो मोड़ लेकर आया है तो उसके तीसरे समय में एकांतानुवृद्धि स्थान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लेकिन संघातन का समय उसके घटेगा क्योंकि तो उसके पहले उसके कार्बन का योग है उसके नहीं है, लेकिन यहाँ तो बात और भी चल रही है कि औदारिक शरीर की संघातन गति मतलब जन्म लेने के पहले समय की बात कर रहे हैं, वैक्रिक शरीर की संघातन गति की बात कर रहे हैं। परिशातन गति वैक्रिक शरीर की कब घटित होगी, जबकि साधारण से एल के जी की बात करें तो भाई वैक्रिक शरीर तो देव और नारकी में होता है तो उनके परिशातन गति घटित होनी चाहिए और वो विक्रिया करते भी है, एरावत हाथी बनाता, नीलांजना नृत्य करने आई थी तो उसके वैक्रिक शरीर बनाता नहीं बनाता, बनाता। तो मेरा एक प्रश्न है उषा दोषी की, जब नीलांजना को ऑर्डर दिया था कि चलो भगवान महावीर के जाओ तो देव था कि नहीं था, ये देवांगना होगी, चलो देवांगना होगी, नीलांजना देवांगना होगी, तो देवांग उसने उत्तर शरीर बनाया, अब जो कोई उत्तर शरीर बनाएगा और वापिस उसका उत्तर शरीर जब मूल शरीर में प्रवेश करेगा तो परिशातन गति घटित होगी नहीं होगी, कि होगी होगी, लेकिन क्यों नहीं हमने लिया कि उसको आचरण क्या कहा था, वह शुद्ध परिशातन गति नहीं है, तो याद करो अपन ने जब पढ़ा था कि देव विक्रिया करते हैं ये बात सही है, तो उनका दो शरीर हो गया, एक शरीर हो गया मूल शरीर, दूसरा शरीर हो गया उत्तर शरीर, है ना, चाहे वो इरावती बनाए चाहे नीलांजना का शरीर बनाए, लेकिन उसका शरीर को क्या बोलेंगे, उत्तर शरीर, ठीक है ना, लेकिन उस दोनों शरीर में जो परमाणु का ग्रहण निर्जना जो चल रहा है कौन सा चल रहा है, वैक्रिक का चल रहा है, लेकिन
जैसे चक्रवर्ती अपनी फूल पटराने को छोड़कर अन्य जगह जाता है, शरीर बनाकर जाता है, या कोई मनुष्य और तिरेन जो पृथक पृथक विक्रिया लेना, अपृथक को लेना ही नहीं है, अब पृथक विक्रिया जब करता है ना जो, तो क्या होता है कि उस समय उसके वैक्रिक शरीर के संघातन घटित होता है, और जब वो विक्रिया कर वापिस जब शरीर में आता है तो उदारिक शरीर की, तो उसको क्या कि वो मनुष्य है तिरंज है, तो उदारिक शरीर की क्या हो जाती है उसको संघातन परिशातन शुरू हो जाता है, लेकिन जो बनाया था वैक्रिक शरीर उसका परिशातन गति घटित हो जाता है। अपने को तभी इतना ही देखना है तो वैक्रिक शरीर की संघातन परिशातन गति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है, ये क्या प्रश्न है। प्रवीण जी उत्तर क्या दे रहे, पढ़ेंगे आप? उक्त जीवों द्वारा लोका संख्यात भाग तथा सर्व लोक स्पर्श किया गया है। देखो दोनों लिया, अगर वह देखो क्या कर रहे हैं, देखो यार एक सुनो बात सुनो, जीव कितने हुए कम हो गए, क्यों विक्रिया कर रहे हैं तो पर्याप्त नहीं करेंगे, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त बढ़िया विक्रिया नहीं करेंगे, बादर करेंगे लेकिन बादर में अपर्याप्त नहीं करेंगे, और करेंगे तो पृथ्वी का ही नहीं करेंगे, जल का ही नहीं करेंगे, कौन करेंगे, केवल वनस्पति करेंगे, अग्नि और वायु करेंगे, उसमें वायु का एक जीवों की प्रधानता है, तो वायु का एक जीव करेंगे पर्याप्त करेंगे, लेकिन क्या सब करेंगे क्या, कि सब नहीं करेंगे, वायु का एक पर्याप्त जीव विक्रिया करेंगे लेकिन सब करेंगे कि सब नहीं करेंगे, तो करने वालों का वर्तमान में क्षेत्र क्या हो जाता, लोक का असंख्यात भाग हो जाता। लेकिन जब इन्होंने कहा कि दूसरा बोल बना स्पर्श भी लिया तो सर्वलोक ले लिया, मारणांतिक समुद्घात क्या पूछा, हाँ विक्रिया के काल में मारणांतिक समुद्घात करेगा तो सब जगह जा सकता है। मंजुला स्पर्श हो रहा अपने को, जी बिल्कुल सर्वलोक करेगा, तो मतलब विक्रिया कर रहा है और विक्रिया के काल में मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसने सर्व क्षेत्र को कर दिया, इस प्रकार से दो बोल आ गए। चलो आगे चलेंगे, आहारक शरीर के तीनों पर युक्त नहीं, अभी नहीं, अभी उक्त जीवों का संख्या तो भाग आगे क्या है और आगे है एक शरीर, कुछ कम पढ़िए मुग्धा जी, कुछ कम वैक्रीय शरीर की संघातन परिशातन युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है, उक्त जीवों के द्वारा लोक का असंख्यात भाग कुछ कम आठ बटे भाग अथवा सर्व स्पर्श किया गया है। देखो अब वैक्रीय शरीर की क्या घटित करनी है, संघातन और परिशातन, संघातन परिशातन मतलब क्या कि दूसरे समय से जब भी उसका वैक्रीय शरीर बनता है चाहे विक्रिया वाला हो चाहे देव नारकी का, दूसरे समय से संघातन परिशातन घटित होगा, जो देव जो मनुष्य और तिरंज विक्रिया करते हैं उसका काल तो अंतर्मुर्त होता छोटा ही होता है, और अब अपने को लेना स्पर्श करना पर अधिक से, तो कब तक होता है कि लंबे काल तक संघातन परिशातन किसके चलता है, तो उषा दोषी को पता है कि देव जो है नारकियों की और देवों की जगन आयु कितनी होती है 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष में से एक समय कम कर दें तो इतने काल तक वैक्रीय शरीर की संघातन परिशातन चलती रहती है। उत्कर्ष कितनी चलेगी कि देव और नारकी के 33 सागर की आयु है, और एक समय संघातन का होता है तो 33 सागर में से एक समय घटाया तो 33 सागर में एक समय कम तक संघातन परिशातन चलता रहता, इतने काल तक संघातन परिशातन चलता रहता। तो अब यहाँ क्या बोला कि ये जो है इन्होंने लिखा कुछ कम 8/14 भाग, इससे क्या लेना चाहिए, मैंने बोला था कि जब प्रथम बोल होगा क्षेत्र का, दूसरा बोल होगा विहार की अपेक्षा से, तीसरा बोल होगा मरणांतिक की अपेक्षा से या सर्वलोक जो भी आएगा उसके देखना, जनरली जब बोलोगे ना 1, 2, 3 तो आपको देखना पड़ेगा, ये कोई नियम नहीं लिखा है लेकिन अपने को पहले क्योंकि क्षेत्र बताएंगे, अब दूसरा बताया उन्होंने 8/14 भाग, तो आपको पता है उषा दोषी कैसे कटेगा 8/14, तो सीता के जीव को लाइए नीचे, सीता का जीव सोने नीचे 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 आएगा ना, नीचे दूसरे नीचे आएगा, हाँ देव देव जो है नरक कहाँ तक विहार कर सकते हैं, घूमने कहाँ जा सकते हैं, तीसरे नरक जा सकते हैं, तीसरा नरक कितना मध्य लोक से 2 राज्यों है और 16 सर्ग कितना 6 राज्यों है, तो 6 राज्य तो पहले वो आया मध्य लोक में, फिर 2 राज्य गाड़ी चेंज की, हो सकता है डबल गाड़ी नारकियों का अलग चलती होगी, खैर
उनको तो गाड़ी की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो हमको पड़ती है। वो छह राजू आया और नीचे दो राजू चल गया, कितना हो गया? आठ राजू। टोटल राजू कितना हो गया? चौदह। आठ बटे चौदह उसने स्पर्श किया। उषा जी जैन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर अपन ऐसे चलेंगे ना धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब पहला बोल क्यों लिया, दूसरा बोल किसकी अपेक्षा से लिया? पहला स्वस्थान, दूसरा विहार, तीसरा कौन सा है? उपाद वाला तो उसमें आ जाएगा अपना संगातन गति पे। संगातन गति पे उपाद बोलने वाला कहा आएगा? संगातन गति में आएगा। लेकिन हर एक समय नहीं आएगा उपाद का, जो ऋजु गति से आएगा उनके संगातन में उपाद योग आएगा, जो विग्रह गति से आएगा उसके एकांतानुवृद्धि वाला होगा। ये बात भी अच्छी निकली आज, कि मतलब जो विग्रह गति से आएगा उसकी संगातन गति के समय कौन सा योग होगा? अशोका जी कौन सा योग होगा? विग्रह गति से आएगा उसको एकांतानुवृद्धि होगा, जो ऋजु गति से आएगा उसको उत्पाद योग होगा। चलिए आगे पढ़िए। लेकिन हमने तो सुना है कि ये जो देवता जो होते हैं ना, मतलब जो तीसरे सोधर मेशान को छोड़ दें तो ऊपर के देवता तो मनुष्य में ही आते, चाहे मरण करेंगे तो मनुष्य लोक में ही करेंगे। आप सर्वलोक में कहाँ भेज रहे हैं उनको? मेरा कोई कोई देवता लोग है? हाँ, तो वो तो मनुष्य गति में ही आएंगे। मनुष्य गति में आएंगे, तो ये किसकी अपेक्षा से लिया? मारणांतिक अपेक्षा से। देखो, अगर आप भवनवासी को भी तहते चाहे थावर्तन धरे छड़ाला को ले जाओगे तो भी ऊपर का सात राजू घटेगा, नौ राजू घटेगा। क्यों? कि भवनवासी अपने मध्य लोग से नीचे दो राजू है। हाँ, वो ऊपर जाके उत्पन्न होंगे तो सात और दो नौ बटे राजू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर नौ नहीं लिखा है, यहाँ पर तो सर्वलोक लिखा है। तो उषा जोशी बताइए, उषा जी बताइए आप लोग। वैक्रीय समुद्धात की अपेक्षा मरणांतिक। वैक्रीय समुद्धात की अपेक्षा घटेगा क्या? नहीं, विक्रिया करते समय मरणांतिक समुद्धात, विक्रीय समुद्धात इतना नहीं बनेगा। विक्रिया कर रहे कोई भी जो है या मनुष्य और तीन है, क्योंकि सब जगह उत्पन्न वाला को नीचे भी दिलाना ना उसको, तो ये विक्री की जो विक्रिया करेंगे वो कौन घटेंगे? एक बात है कि इसमें विक्रिया करने के काल में और मारणांतिक समुद्र तभी घटेगा। केवल देवताओं की अपेक्षा से लेंगे तो भवनवासी और उनको भी लेंगे तब भी आपका अधिक से अधिक नौ बटे चौदह घटेगा। केवल आप सोधर में से ऊपर को लेंगे, तीसरे स्वर्ग से लेंगे तो उनका केवल अधिक से अधिक क्षेत्र राजू ही घटेगा, कि ऊपर से नीचे तक आएंगे, इससे अधिक क्षेत्र नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ पर सर्वलोक में मनुष्य और तिर्यंच ही घटेंगे फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात हुई ना, आप लोगों को आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे इससे बढ़िया ज्ञान की एक्सरसाइज कुछ नहीं हो सकती है। मतलब कि नहीं तो क्या यहाँ लिखा सर्वलोक घटित हो रहा है, तो कैसे घटित हो रहा है उसको निकालना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, अपन ऐसी वाचना करेंगे ना तो वो तो गाड़ी बहुत चलती है, वाचना की गाड़ी फास्ट होती है, कभी स्टैंड पर रुकती है कभी नहीं रुकती है। हमारे मुंडा जी जाते फास्ट होती है, हमको तो यहाँ पर ये सोचना है कि कैसे घटित किया। चलिए अब आहारक शरीर का नंबर आ गया। आहारक शरीर के तीन पद युक्त जीवों के द्वारा तेजस और कार्बन शरीर युक्त जीवों द्वारा उन्होंने किस किस का ग्रुप बना लिया? अब आहारक शरीर का और तेजस कार्बन शरीर का परिशातन गति का ग्रुप। उषा जोशी बताएंगे क्यों मैंने इनको समान क्यों बनाया। आप चिंता मत करिए कि हमने आपको किसी को नहीं, कोई बात नहीं, हमने अगर आप मैं इसलिए पूछ रहा हूं उत्तर सही हो उसकी चिंता नहीं करने का है। हमने क्या पूछा है कि आहारक शरीर और तेजस कार्बन शरीर की परिशातन गति, मैंने रूल क्या दिया था, पहले देखो किसका स्वामी कौन है। आहारक शरीर वाला है। अरे नहीं, स्वामी मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य और परिशातन गति करने वाला भी मनुष्य, चौदह गुण स्तर वाला भी मनुष्य है।
और मनुष्य कितने होते हैं, संख्यात होते हैं। आप ध्यान दीजिए, इन्होंने ग्रुप को एकत्रित किया, मार्गणा के ग्रुप को कैसे एकत्रित करना ये कला है, नहीं तो अपने वाचन ही करेंगे। यहाँ लिखा है, अपन ने पढ़ लिया, भगवान के ज्ञान में आया। अरे भगवान के ज्ञान में आया तक वो तो हम मान ही रहे कि लिखा है, फिर से वो एक एक शब्द है, भगवान की वाणी है, लेकिन लिखा क्यों, ऐसा क्यों हुआ है, अगर हम पहले विचार करें। यहाँ पर वीरसेन आचार्य ने प्रारंभ में बोला है कि अगर अपने अपने बुद्धि के बल से अपन विचार करें, तीसरी पुस्तक में हमने पढ़ा था कि क्या बोला था कि बुद्धि के बल से विचार करें तो हम निर्णय कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। तो यहाँ पर आरक शरीर और तेजस कार्बन को क्यों लिया, अब हमको पता चल गया कि संख्या जीव है तो कितना क्षेत्र स्पर्श किया, लोक का संख्यात्वा भाग स्पर्श किया, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आपके घर पर मेहमान आ रहे, कितने आ रहे, एक आ रहा है कि सो आ रहा, उस पर भी डिपेंड करेगा क्षेत्र कैसे करेगा। हमने कहा था ना, विभा जी अगर बस लेकर आपके पास आ रहे हैं तो आप घर पर नहीं ठहरा सकते हैं, केवल विभा जी आएंगे तो आप घर पर ठहरा सकते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य आरक शरीर वाले और 14 गुण स्थान वाले 598 है, और आरक शरीर को बनाएगा 6 गुण स्थान वाले, कितने हैं, 296,99,103, 2,96,99,103 का दुगने। मैं 7 गुण स्थान की संख्या बोल रहा हूँ, 2,96,99,103, और जितने 7वें के उससे दुगने हैं, लेकिन है कितने, 6 लाख से कम हो ना, और वो कितने हुए, 598। ये तो संख्या दी है ना, तो इनका जगत, इनका क्षेत्र कितना हो गया। अच्छा आप कहेंगे नहीं, अशोका जी का मेरे पास प्रश्न आ गया, अरे ये भी तो मार्णातिक समुदाय करेंगे ना, हाँ करेंगे, लेकिन ये 6 गुण स्थान जाएंगे का देवगति में ही जाएंगे। मारणांतिक समुदाय कहां से करेंगे, हे कहां पर है, मध्य लोक में। मारणांतिक समुदाय कराओ, विक्रिया कराओ, कुछ भी कराओ, कितना भी आगे भेजो, कहां तक जाएंगे, ऊपर 6 राज्यों तक जाएंगे, 6 राज्यों तक, और वो 6 राज्यों में त्रस्तान के बाद तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और कहां से जाएंगे, पूरे मध्य लोक से नहीं जाएंगे, केवल 2.5 दिन से जाएंगे, इसलिए उनका क्षेत्र लोक का संख्यात्मा भाग घटित होता है। समझ में आ रहा है प्रवीणा जी? प्रवीणा जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए अब आगे से आ रहा है। चलो ये लोक का संख्या था, ये बात उन्होंने ओक से बताई गई है। अब बात करते हैं आदेश का, पढ़िए अशोका जी, पढ़िए आदेश की अपेक्षा। थोड़ा सा नेटवर्क कम है ना, तो कट-कट की आवाज आ रही है, तो मुझे थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं चलेगा। अब हमारे मेरे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क कम है तो बार बार कट रहा है। अशोक जी के बिल्कुल तैयार रहते हैं, आप पढ़िए अशोक जी। आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में वैक्रियक शरीर की संघातन प्रति युक्त जीवों की स्पर्शन प्ररूपणा क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। आगे पढ़ो सर, नहीं बोल सकते, पहले आपको मैंने रूल बताया था कौन सी मार्गणा है, उसमें कितने पद घटेंगे, फिर क्षेत्र की प्ररूपणा क्या है, हमें वाचना नहीं करनी, हमें समझना है। हाँ जी, गति मार्गणा चल रही है, गति मार्गणा में नरक गति का चालू है। हाँ तो नरक गति में कौन से पद घटेंगे, केवल संघातन होगा कि नहीं होगा, होगा, जन्म लेने के पहले जब शरीर ग्रहण करेगा तो देव और नरक गति में होगा, संघातन प्रशातन होगा कि नहीं होगा, होगा। तेजस कार्बन शरीर की संघातन प्रशातन गति होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। तेजस कार्बन शरीर की प्रशातन गति होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उषा दोषी, क्योंकि 14 गुण स्थान में होते हैं, नारकियों में 104 गुण स्थान होते हैं। आपको एक एक सोचना है, क्या समझा प्रवीणा जी कि हमने क्या पूछा कि नारकियों में कौन कौन से पद लगेंगे, पहले हमने क्या किया कि हमारे नारकियों की बात कर रहे हैं, नारकी कौन होते हैं, पर्याप्त ही होते हैं, विक्रिया करते हैं तो कौन से करते हैं, अपृथक विक्रिया करते हैं, पृथक विक्रिया नहीं करते, इतनी बात हो गई। अब हम लेंगे उनके वैक्रिक शरीर के उदाई शरीर का एक भी पद नहीं घटेगा, क्योंकि नारकियों के तो वैक्रिक शरीर होता है, तो उदारिक शरीर के वैक्रिक शरीर की संघातन घटेगी कि नहीं घटेगी, कि अवश्य घटेगी। कौन बताएगा मुझे नारकियों में कितने पद घटेंगे 13 में से, और क्यों नहीं घटेंगे कौन बताएगा? 4 पद घटेंगे, 4
समझाइए मंजुला, समझाइए। जन्म घटेगा, आहार घटेगी। बोलो तो भाई, बोलो तो। दूसरे समय से संगातन परिचातन कृति घटेगी, और फिर कर्मांश और तेजस शरीर की भी संगातन परिचातन कृति और कर्मांश शरीर की भी संगातन परिचातन कृति, ये चार कृति घटेगी। परिचातन नहीं घटेगी क्योंकि वो उनकी विक्रिया जो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं नहीं मंजुला जी, आपका उत्तर सही है, लेकिन हो सकता है आपने नकल करके दे दिया हो। हमें तो आप समझाइए कि चार ही क्यों घटेगी, हमको समझना है। क्योंकि आपके पास जो कोई बैठा हो और वो उसने उत्तर दे दिया और आपने बता दिया, हम कैसे माने? आप हमें समझाइए कि चार ही क्यों घटेगी, बाकी क्यों नहीं घटेगी? नहीं तो उषा जी बताएंगे। उषा जी मैं बताऊं आप बताइए, आप बताइए, चल जो बताना चाहे बताए, मैं समझाइए हमको कि चार ही क्यों घटेगी। आप बताइए राजुल जी। नार क्योंकि चार ही घटे, वो पद घटेंगे होंगे। नारकियों में औदारिक शरीर नहीं होता है, इसलिए औदारिक की तीनों पद नहीं घटेंगे। जो हमारे राजुल जी का स्टाइल है ना, हम नारक गति की बात कर रहे हैं, नारकियों के व्यक्ति शरीर होता है, औदारिक शरीर नहीं होता है, इसलिए औदारिक शरीर की संगातन, औदारिक शरीर की संगातन परिशातन नहीं घटेगी। बदल नारकियों के संगातन गति घटेगी और संगातन परिशादन दो गति घटेंगी और परिशादन गति नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी परिशादन गति, क्यों नहीं घटेगी? विक्रिया जो होती है और वो शरीर, क्योंकि देखो कारण याद रहे, क्योंकि नारकियां पृथक विक्रिया नहीं करते हैं, केवल अपृथक विक्रिया करते हैं। परिशातन गति घटाने के लिए दो शरीर की आवश्यकता है, उत्तर शरीर और मूल शरीर। नारकियों का अपृथक विक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए नारकों में कभी भी परिशातन गति नहीं घटेगी, ये कारण हो गया। ठीक है, अब आहार शरीर की, अब नहीं अभी आहार शरीर पर आएंगे, अभी आहार शरीर की तीन बताइए। शरीर छठे गुण स्थान में मुनिराज जी करते हैं और नारकियों के चार ही गुण स्थान तक रहते हैं, इसलिए उनके आहारक शरीर की तीनों कृतियां नहीं घटेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये उत्तर सही लिख रहे हैं। मतलब आप जो बता रहे हैं राजू जी, बिल्कुल आप तो मैं बनूंगा अरियन, MBA कॉलेज हो गए आपका। मतलब ये बताना चाहिए कि नारकियों के अरियन, देखियो नारकियों के आहार शरीर की क्यों नहीं घटेंगे, क्योंकि ये छठे गुणस्थान के मुनिराज आहार शरीर बनाते हैं, नारकियों में एक से चार गुणस्थान होते हैं, इसलिए नारकियों के आहार शरीर की संगातन, आहार शरीर की संगातन परिचातन और शरीर की परिचातन और कार्बन तेजस और कार्बन शरीर के संगातन और कार्बन शरीर के संगातन और परिशादन प्रति घटेगी। क्यों घटेगी ये घटेगी, उत्तर तो दे दिया था मंजुला जी ने भी, क्यों घटेगी? क्योंकि नार की, क्योंकि वो तेजस और संगातन और परिशादन प्रति उसके एक समय के बाद बनती है ना, तो वो बराबर बनती रहेगी। नहीं, उसका उत्तर ये है, तेजस तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में अनादि संबंध है, तेजस कार्बन का संबंध कैसा है? अनादि से, जो अनादि होता है उसका आदि तो कभी हुआ नहीं है। तेजस कार्बन शरीर का विग्रह गति में हो, कहीं भी हो, अतः हमेशा उनकी संगातन परिशातन चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? 13वें गुण स्थान तक। और नारकियों के 13वें गुण स्थान होता नहीं है, इसलिए उनके परिशादन कृति नहीं घटे। गलत, थोड़ा सा गलत बोले, 13 14 बोलना, क्योंकि अयोग केवली का गुण स्थान 14 है और योग नहीं होने से उनके कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा, सभी आश्रव रुक गया है, तो उनके तेजस और कार्बन शरीर का आश्रव रुक गया है, केवल उनकी निर्जरा हो रही है, इसलिए 14 गुण स्थान के अंदर तेजस और कार्बन शरीर की परिशातन प्रति घटती है, लेकिन नारकियों के केवल एक से चार गुण स्थान होते हैं,
इसलिए नारकियों के तेजस और कार्बन शरीर के परिशातन प्रति नहीं घटित होगी। अब जो घटित होगी, अब नारकी कहाँ है, क्या रे अपने बिल से ही बाहर नहीं जा सकते, उनको घूमने के लिए दूसरे कहीं जाने को ही नहीं मौका मिलता है, तो इसलिए क्या है कि उनका लोक का असंख्यात्वा भाग घटित होगा। उनका क्षेत्र कितना घटित होगा, लोक का असंख्यात्वा भाग घटित होगा। सबको क्लियर हो गया, बराबर? चलिए आगे बढ़े, आगे आगे। प्रक्रियक तेजस व कार्मा शरीर की संघातन परिशातन प्रति युक्त जीवों द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए गए हैं। प्रक्रिया के लिए तेजस के लिए और कार्बन के लिए संघातन परिशातन प्रति युक्त जीवों के द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए गए हैं। जी सर, आगे पढ़ना है क्या? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। 6/14 घटित करके बताइए आप लोग। 7वां नरक है, मध्य लोक से नीचे जाएगा तो 6/14। नहीं नहीं, नरक में अभी आप नरक से बाहर नहीं निकाल रहे, अभी नरक में ही है, नरक गति की मार्गणा चल रही है। तो 7वें नरक में है, तो 7वें नरक से जन्म लेगा तो ऊपर आ जाएगा ना मध्यलोक में। जब वो जन्म लेगा तो विग्रह गति में उसके मनुष्य तिरंग गति का होता है, उसके तिरंग गति का होता होगा। जब वो जन्म लेके आएगा 7वें नरक से, तो जैसे जैसे ही उसकी आयु पूर्ण हुई है, जहां जन्म लेना वो गति शुरू हो जाएगी उसके, वो अनु जो उस गति की आयु शुरू हो जाएगी उसकी, वो उस गति का कहलाएगा नरक गति मार्ग। वर्तमान क्षेत्र उतना ही है ना, सोचे सोचे देखिए, मैं बताता हूँ आप, अब आप सुनिए मेरी बात, सोचना है। आप बताना चाहती हैं, उषा जी बताइए, उषा उषा जी केकड़ा से बताइए, उषा जी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। चलो, उनकी आवाज नहीं आ रही, मैं समझाता हूँ। वैकरिक शरीर की संघातन परिशातन, वैकरिक और तेजस और कार्बन की संघातन परिशातन उनके पूरे आयु भर अगर 33 के चलती रहती है और वह मरणांतिक समुद्घात करे, तो 7वें नरक का नारकी जब मरणांतिक समुद्घात करेगा तो मध्य लोक को स्पर्श करेगा, तो इस तरीके से उसका 6/14 आ गया। लेकिन अगर 5वें नरक का है, 6ठे नरक का है, तो 5/14 देखिए कम करते जाना, जोन से नरक का आती है, अगर दूसरे नरक का है तो 1/14, तीसरे नरक का है तो 2/14, ठीक है ना, चौथे नरक का है तो 3/14, पांचवे नरक का है तो 4/14, छठे नरक का है तो 5/14, ये उसका क्षेत्र बनेगा। लेकिन यहाँ पर अधिक से अधिक क्षेत्र बनाना है, मार्गणा को उपेद नहीं किए, तो 7वें नरक का नारकी अभी नारकी है, उसके नरकायु चल रही है, विक्रिया तो करेगा नहीं, तो विक्रिया का तो अपन ले नहीं रहे यहाँ पर, नारकियों में तो प्रथम विक्रिया की बात नहीं है, तो क्या कर रहा है वो मरणांतिक समुद्घात कर रहा है। 7वें नरक का नारकी मरणांतिक समुद्घात करते समय वह नारकी है, उसके नरकायु चल रही है, उसके मरणांतिक समुद्घात करने से उसका क्षेत्र ये घटित हो जाएगा, 6/14 बन जाएगा नीचे से, बस। मुग्धा जी आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं कह रहा हूं ना कि धवला जी में ये कहना ही नहीं कि कोई बात स्पष्ट नहीं है, हर बात स्पष्ट है। पढ़िए आगे, पढ़िए। प्रथम पृथ्वी में स्पर्शन की प्ररूपणा क्षेत्र के समान है, द्वितीय पृथ्वी में से लेकर सातवीं पृथ्वी तक वैक्रियक शरीर की संघातन प्रति युक्त जीवों की प्ररूपणा क्षेत्र के समान है, उक्त पृथ्वियों में वैक्रियक तेजस व कार्मान शरीर की संघातन परिशातन प्रति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है, उक्त जीवों द्वारा लोक का संख्यात्वा भाग अथवा कुछ कम 1, 2, 3, 4, 5 और 6/14 भाग स्पर्श किए गए हैं। आपने पहले बता दिया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया ये, कुछ कम 1, 2, 3, 4, कुछ कम क्यों लिखा,
उषा जी कुछ कम एक बटे दो राजू, कुछ कम दो बटे चौदह राजू क्यों लिखा? अच्छे लोक में आएगा ना। अरे उसके पृथ्वी के नीछे की मोटाई छोड़ देने की है, जैसे छह राजू है ना, तो नीचे जो नीचे जो सातवीं जो पृथ्वी है, छठी पृथ्वी, उसकी जो मोटाई है उस मोटाई को कम कर देंगे, इसलिए बोला ना कुछ कम छह बटे राजू, कुछ कम पांच बटे राजू, इस प्रकार से कुछ कम जो लिखा उसका भी अंतर उत्तर हमको आना चाहिए, बराबर। चलिए बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट चल रहा है। चलिए प्रियंच गति में शुरू करिए। प्रियंच गति में प्रियंचो में औदारिक शरीर की संघातन गति तथा औदारिक तेजस व कारमान शरीर संघातन संघातन प्रशातन गति युक्त जीवों की प्ररूपणा क्षेत्र के समान है। ये मंजुला जी से पंडा जी क्षेत्र के समान है, तो क्षेत्र कितनी है? लोक का संख्या तो अरे त्रिरंज सारे लोक में है, सूक्ष्म में केंद्र त्रिरंज है, सर्वलोक है, यही है, यही अंतर होता है वाचना में और समझ में लगाने में ना, आपको ये बराबर सोचना पड़ेगा। क्या संजय जी समझ आ रहे ना? त्रिरंज गति में हमने गति मार्गणा चल रही है, इंद्रिय मार्गणा नहीं चल रही हमारी, और हमने भेद नहीं किए सामान्य त्रिरंज पंचेंद्रीय पर्याप्त, आगे करेंगे अलग अलग। हमने त्रिरंज गति लगाई है तो उसमें कहा क्षेत्र के समान है, इसका मतलब सर्वलोक है। चलो आगे चलो। औदारिक शरीर की परिशातन गति तथा वैक्रियक शरीर के तीनों पद युक्त जीवों ने लोक का संख्यात भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया है। रुकेंगे, समझाएगा कौन? समझाएगा पहले तो बताइए कि इनको अलग क्यों किया? औदारिक शरीर की परिशातन गति कब घटित होगी? विक्रिया करेंगे, विक्रिया कौन करेंगे? सूक्ष्म केंद्र नहीं करेंगे, पर्याप्ति करेंगे, इसलिए करेंगे मादर वायु का ही करेंगे, इसलिए उनको अलग कर दिया। पंचेंद्रिय पर्याप्त भी करेंगे, पंचेंद्रिय पर्याप्त भी करेंगे, तो वो उनकी संख्या कम हो गई ना, इसलिए उन्होंने कहा कि वर्तमान काल लोक का संख्या तो भाग, ये तो क्षेत्र प्रपणा हो गई, लेकिन स्पर्श में यहाँ भी सर्वलोक किया। कैसे हुआ? कि विक्रिया के काल में वो मानव समुदाय करे तो सर्वलोक स्पर्श हो जाएगा, मतलब क्षेत्र की प्ररूपणा में विक्रिया के काल में मारणांतिक समुदाय करे, ये टेक्नोलॉजी है, ये कला है, जैसे है ना, तो ये आपको सर्वलोक हो गया। आनंद आ रहा है हमारे अशोका जी को? आनंद आ रहा है तो सबको आनंद आए, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। आप समझाए इतनी अच्छी तरह से रहे हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। इतना अच्छा लग रहा है क्या कि मतलब विक्रिया के काल में मरणांतिक समुदाय करेंगे तो सर्वलोक घट जाएगा, लेकिन वो कौन होना चाहिए? वो मनुष्य तिरंज होना चाहिए, देव नहीं, क्यों वो समझे जन्म को सब जगह जन्म लेने, उसके हाथ में पासपोर्ट तो होना चाहिए ना। अच्छा पासपोर्ट हो लेकिन उसके वीसा भी तो होना चाहिए ना, तो मनुष्य तिरंज को देवनारकी को नहीं है, देवनारकी विक्रिया करते हैं लेकिन वो जाएंगे कहां पर जाएंगे? उनके लिमिट क्षेत्र पर जाएंगे, तो अगर तिरंज गति की मार्गणा चल रही तो घटित हो जाएगा। चलो आगे चलो। वायु कायिक को नहीं घटेगी सर्वलोक, तिरंज में भी वायु कायिक को सर्वलोक नहीं घटेगी, विक्रिया करता है तो भी सर्वलोक नहीं घटेगी, नहीं घटेगी, पंचेंद्रियम को ही घटेगी, पंचेंद्रियम को। यहाँ पर मारणांतिक समुदाय की बात लेनी है, मारणांतिक समुदाय किया उससे घट जाएगी। चलो आगे चलो। पंचेंद्रिय तिरंजों में औदारिक शरीर की संघातन प्रति युक्त जीवों ने लोक का संख्यात्व भाग स्पर्श किया है, शेष पद युक्त जीवों ने लोक का संख्यात्व भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया है। देखो पंचेंद्र तिरंज लिया है, अभी उसने पंचेंद्र तिरंज में पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं किया, एक बात। दूसरा उन्होंने क्या कहा, कौन से केवल उदाहरण शरीर की संघातन गति ली है, तो इसके अंदर क्या है कि जब भी तिरंज जन्म लेंगे तो उसके पहले समय में संघातन गति होगी, तो उस समय तो न तो विक्रिया करेंगे और न उसका कोई मारणांतिक समुदाय की बात है, तो केवल लोक का असंख्यात भाग घटित हुआ। लेकिन बाकी जो पद है शेद पद यू, तो पंचेंद्र तिरंज में कौन कौन से पद घटेंगे? कुल पद होते 13,
एक पद की बात कर रही, तो पंजे में कितने पद घटित होंगे? नहीं, तेजस कार्बन के भी दो नहीं घटेंगे, पांच पद नहीं घटेंगे, पांच पद नहीं घटेंगे, मतलब 13 में से पांच नहीं घटेंगे। अपन किसकी बात कर रहे हैं? पंचेंद्र तिरंज की बात कर रहे हैं। कितने? 13 है, पांच कौन से नहीं घटेंगे? आठ शरीर के तीन और 14 गुणस्थान वाले दो, तो 13 में से पांच गए तो आठ घटेंगे, आठ घटेंगे, पांच नहीं घटेंगे ना, बराबर। अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सामान्य तिरंज लिया ना, तो पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं, इसलिए आठ है। अगर हम पर्याप्त अपर्याप्त का भेद कर दे तो क्या होगा? चार कम हो जाएंगे, वैकृत के तीन हो जाएंगे और प्रशासन के उदार की प्रशासन घटित हो जाएगी, तो आठ में से चार ही घटित हो जाएगी अगर आप अपर्याप्त का भेद कर ले। चलो आगे बढ़ो। पदयुक्त जीवों ने लोक का संख्या का भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया है, इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिरंज पर्याप्त और तिरंज योनियों के कहना चाहिए, कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसमें होते आठ पद है और पर्याप्त है। आगे बढ़ो, इसलिए आगे बढ़ो। पंचेंद्रिय तिरंज पर्याप्तों की रूपना भी इसी प्रकार की है, विशेषता केवल इतनी है कि उनके व्यतिरिक्त शरीर के तीनों पद और आधारिक शरीर की प्रशासन गति नहीं होती। पर्याप्त कितने? क्योंकि उनके तीन पद निकाल दिए उन्होंने, चार पद, तीन और चार निकल गए तो चार पद होते हैं। इस प्रकार से अपनी यहाँ पर आज तिरंज गति और नरक गति की मारगणना हुई है। हम निकल कर मनुष्य बन गए हैं, उसकी बात कल अपन करेंगे। दो गति की मारगणना निकल गई।